आइए बच्चों, अब हम संबंधों पर कुछ प्रश्न हल करके देखते हैं। प्रश्न एक, बच्चों ये सभी प्रश्न जो ले रहे हैं ये आपके टेक्स्ट बुक का ही प्रश्न है। ये प्रश्न कहता है समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3, 5 और समुच्चय बी बराबर 4, 6, 9। कहता है ए से बी में एक संबंध आर बराबर क्रमित युग्म एक्स वाई सच दैट एक्स और वाई का अंतर विषम है और एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा वाई बिलोंग्स टू बी है द्वारा परिभाषित है। आर यानी संबंध आर को रोस्टर रूप में लिखिए। बच्चों यहां पर समझना है रोस्टर रूप में लिखिए मतलब क्या है कि सभी अवयवों को सर्पाकार कोष्ठक के अंतर्गत कॉमा से पृथक करते हुए लिख देना है। चलिए हल करते हैं बच्चों। दिया गया है समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3, 5 और समुच्चय बी बराबर 4, 6, 9। देयरफॉर ए क्रॉस बी यानी हम ए और बी का कार्तीय गुणन निकाल लेते हैं तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ये सभी क्रमित युग्मों को लिख लेते हैं 1, 4, 1, 6, 1, 9 2, 4, 2, 6, 2, 9 3, 4, 3, 6, 3, 9 5, 4, 5, 6, 5, 9। चूंकि हमें मालूम है संबंध R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B अर्थात संबंध A और B के कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है जबकि यहां पर संबंध R बराबर क्रमित युग्म XY सच दैट X और Y का अंतर विषम है और X बिलोंग्स टू A कॉमा Y बिलोंग्स टू B है इसलिए A क्रॉस B के उन क्रमित युग्मों को लेना है अर्थात उन अवयवों को लेना है जिनका अंतर विषम है। तो बच्चों आप A क्रॉस B के जितने अवयव हैं उनमें से उन अवयवों को आप पृथक करिए जिन दोनों का अंतर विषम संख्या आवे। जैसे हम पहला क्रमित युग्म देखें 1, 4 एक और चार का अंतर क्या आता है 3 और 3 विषम है। इसी प्रकार से हम अन्य अवयवों को पृथक करके लिखें यही हमारा संबंध R होगा अर्थात R इज इक्वल टू 1, 4, 1, 6, 2, 9, 3, 4, 3, 6, 5, 4, 5, 6। इस प्रकार आप R के सभी अवयवों को देखें प्रत्येक अवयव के दोनों घटकों का अंतर विषम है। अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं बच्चों। ये प्रश्न है संबंध R बराबर क्रमित युग्म x, x³ सच दैट x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है को रोस्टर रूप में लिखिए। बच्चों ये आपके टेक्स्ट बुक कि एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। अब रोस्टर रूप में लिखना है यानी सभी क्रमित युग्मों को सर्पाकार कोष्टक के अंतर कॉमा से पृथक करते हुए लिखना है। चलिए हल करते हैं बच्चों। सबसे पहली बात यहां पर जो दिया गया है प्रश्न में x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है इसका मतलब x का मान क्या क्या हो सकता है 2, 3, 5, 7 ये सभी 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों तो x का मान 2 हो सकता है 3 हो सकता है 5 हो सकता है और 7 हो सकता है। तब हमें प्रश्न में जो संबंध R परिभाषित किया गया है R इज इक्वल टू क्रमित युग्म x, x³ तो हम इन क्रमित युग्मों को प्राप्त करते हैं R इज इक्वल टू 2, 2³, 3, 3³, 5, 5³, 7, 7³। इसको हम सरलतम रूप में लिखें तो संबंध R बराबर क्रमित युग्म 28, क्रमित युग्म 327,
कामा क्रमित युग्म 5 125, कामा क्रमित युग्म 7 343। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। माना a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और संबंध r इज इक्वल टू क्रमित युग्म x y such that y इज इक्वल टू x+1 द्वारा a से a में एक संबंध r परिभाषित कीजिए। पहला, इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए और दूसरा आर के प्रांत सप्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों हल करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें दिया गया है समुच्चय A जिनके अवयव हैं 1 2 3 4 5 6 और संबंध आर परिभाषित है आर इज इक्वल टू क्रमित युग्म xy such that y इज इक्वल टू x+1, यानी दूसरा अवयव पहले अवयव से एक अधिक है। अब चूंकि समुच्चय A से समुच्चय A में परिभाषित संबंध R है, इसलिए संबंध R इज इक्वल टू क्रमित युग्म xy सच दैट y इज इक्वल टू x+1, जहां x बिलोंग्स टू A कॉमा y बिलोंग्स टू A। तब हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों? बस याद रखिए y इज इक्वल टू x+1 अर्थात दूसरा घटक पहले घटक से एक अधिक, तब मिलेगा हमें संबंध r इज इक्वल टू 1 1+1 2 2+1 3 3+1 4 4+1 5 5+1 अर्थात संबंध r इज इक्वल टू क्रमित युग्म 1 2 क्रमित युग्म 2 3 क्रमित युग्म 3 4 क्रमित युग्म 4 5 क्रमित युग्म 5 6। अब पहला जवाब मांगा है तीर आरेख, संबंध को तीर आरेख से प्रदर्शित कीजिए कहता है। तो संबंध R का तीर आरेख देखिए बच्चों, समुच्चय A से A में परिभाषित है, इसलिए इस संबंध में तीर आरेख में प्रांत और सहप्रांत दोनों समुच्चय A होगा, A 1 2 3 4 5 6 और इसका सहप्रांत भी A अर्थात 1 2 3 4 5 6। अब संबंध R कैसे संबंधित है, आप क्रमित युग्म को देखिए, ऊपर पहला क्रमित युग्म है 1 2, यानी 1 का संबंध 2 से है, फिर दूसरा क्रमित युग्म 2 3, तो 2 का संबंध 3 से है। तीर से इसको दर्शाया गया है, 2 का संबंध 3 से है, 3 का संबंध 4 से है, 4 का संबंध 5 से है और 5 का संबंध 6 से है, ये तीर आरेख। दूसरा पूछा है संबंध R के प्रांत सप्रांत और परिसर पूछा है बच्चों। तो संबंध R के प्रांत अर्थात डोमेन ऑफ R इज इक्वल टू, तो परिभाषा क्या है बच्चों इसका, क्रमित युग्म के प्रथम घटकों का समुच्चय संबंध R का प्रांत होता है, अर्थात डोमेन ऑफ R इज इक्वल टू x सच दैट x y बिलोंग्स टू R। तो हमें क्रमित युग्म के पहले अवयवों का समुच्चय लेना है, तो इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अब संबंध R का सहप्रांत, ये यहां पर चूंकि A से A में संबंध है तो A ही इसका सहप्रांत होगा, अर्थात 1 2 3 4 5 6। और तीसरा संबंध R का रेंज, अर्थात रेंज ऑफ रिलेशन R इज इक्वल टू y such that x y belongs to R, अर्थात जो रेंज होता है बच्चों क्रमित युग्म के द्वितीय घटकों का समुच्चय होता है, तो इनके द्वितीय घटकों का समुच्चय ले लीजिए जो संबंधित हो। तो हम देखते हैं संबंध के द्वितीय घटकों का समुच्चय कौन कौन सा है, 2 3 4 5 6। इस प्रकार से संबंध R का परिसर बराबर 2 3 4 5 6। प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न कहता है मान लीजिए कि संबंध R
पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय z पर संबंध r इज इक्वल टू क्रमित युग्म a कॉमा b सच दैट a कॉमा b बिलोंग्स टू समुच्चय z और a माइनस b एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित एक संबंध है। संबंध r के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं बच्चों। चूंकि संबंध r पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय z पर परिभाषित है, इसलिए संबंध r इज द सबसेट ऑफ z क्रॉस z। जबकि यहां पर दिया गया है संबंध r इज इक्वल टू क्रमित युग्म a कॉमा b सच दैट स्मॉल a कॉमा स्मॉल b बिलोंग्स टू z और a माइनस b एक पूर्णांक। अब बच्चों हमें यह पता है कि स्मॉल a और स्मॉल b पूर्णांक संख्याएं हैं, तो निश्चित रूप से इनका अंतर अर्थात a माइनस b भी एक पूर्णांक ही होगा। अर्थात फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू z देयर एम्प्लाइज a माइनस b बिलोंग्स टू z। देयरफॉर r का प्रांत बराबर z अर्थात पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय तथा संबंध r का परिसर बराबर z अर्थात पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। बच्चों अब हम संबंधों की कुल संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। मान लीजिए समुच्चय a व समुच्चय b दो आरिक समुच्चय है तथा n ऑफ a इज इक्वल टू स्मॉल p तथा n ऑफ b इज इक्वल टू स्मॉल q। अर्थात समुच्चय a में अवयवों की संख्या स्मॉल p है तथा समुच्चय b में अवयवों की संख्या स्मॉल q है। अब चूंकि हमें पता है n ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू n ऑफ a इंटू n ऑफ b होता है, देयरफॉर n ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू p इंटू q होगा। अब चूंकि संबंध r इज द सबसेट ऑफ a क्रॉस b, देयरफॉर a क्रॉस b के सभी संभव उपसमुच्चयों की कुल संख्या बराबर 2 की घात p इंटू q होगा। तब a से b में संबंधों की कुल संख्या इज इक्वल टू 2 की घात pq। अर्थात a से b में संबंधों की कुल संख्या इज इक्वल टू 2 का पावर n ऑफ a इंटू n ऑफ b। बच्चों इसे फार्मूला के रूप में याद रखें। यदि समुच्चय a के अवयव संख्या p तथा समुच्चय b में अवयव संख्या स्मॉल q, तो a से b में संबंधों की कुल संख्या बराबर 2 की घात n ऑफ a इंटू n ऑफ b होगी। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं और समझते हैं। यह प्रश्न है बच्चों एक्सरसाइज 2.2 का 8वां प्रश्न है। यह प्रश्न कहता है माना a इज इक्वल टू x कॉमा y कॉमा z तथा b इज इक्वल टू 1, 2। तब समुच्चय a से समुच्चय b में संबंधों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। आइए इसको हल करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, समुच्चय a और समुच्चय b। समुच्चय a दिया है x, y, z अर्थात n इज इक्वल टू 3 और समुच्चय b दिया है 1, 2 अर्थात n ऑफ b इज इक्वल टू 2। अब चूंकि हमें ज्ञात है a से b में संबंधों की कुल संख्या के लिए सूत्र है 2 की घात n ऑफ a इंटू n ऑफ b। देयरफॉर a से b में संबंधों की कुल संख्या बराबर 2 की घात 3 गुना 2 अर्थात 2 की घात 6। यही कुल संबंधों की संख्या होगी 2 की घात 6।